भोजपुरी में एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म के ट्रेलर का नाम है पांचाल। जरा आपको इस पांचाल के बारे में बता दें, फिल्म की हीरोइन है रानी चटर्जी। फिल्म में मेन लीड में आपको दिखेंगे मनोज टाइगर, संजय पांडे, प्रमोद प्रेमी जैसे कलाकार। तो आपको बता दें कि अब क्या खास बताने वाले हैं हम। अब हम आपको बताएंगे फिल्म में क्या है खास। गालियाँ, अश्लीलता और फुहड़ता। जी हाँ, जरा हम आपको ये बता दें कि इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन है। जी हाँ, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं देव पांडे और प्रोड्यूसर हैं प्रदीप पांडे, चिंटू के पापा जी राजकुमार आर पांडे, जिन्होंने कभी भोजपुरिया कलाकारों पे ये आरोप लगाया था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता सिर्फ उन्हीं की वजह से फैल रही, खासकर खेसारी लाल यादव के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था। फिर हम आपको आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि फिल्म का ट्रेलर की जो शुरुआत होती है कितनी दमदार होती है। जी हाँ, फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत ही होती है राजकुमार पांडे के इंट्रोडक्शन से और गालियों से। फिर इन गालियों की मात्रा बढ़ती जाती है और उसके बाद फिल्म के जो ग्रेड है वो गिरने लगता है। ऐसे लगता है कि फिल्म शुरुआत में, यानी जैसे ट्रेलर स्टार्ट होगा आपको लगेगा फिल्म ए ग्रेड की है, थोड़े देर आगे बढ़ेगा आपको लगेगा फिल्म बी ग्रेड की तो हो ही जाएगी, और लास्ट में निष्कर्ष यही निकलेगा ये तो सी ग्रेड मूवी है। मैं लगा फिल्म सी ग्रेड की होगी तो क्या हुआ, लेकिन राजकुमार आर पांडे ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है तो बजट हाई होगा और हमें बहुत ही अच्छे अच्छे लोकेशंस देखने को मिलेंगे। लेकिन ये क्या, फिल्म देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छी क्राइम पेट्रोल या फिर सावधान इंडिया देख लीजिए, आपको वहाँ लोकेशन एकदम डिक्टो सीरियल के मुताबिक मिल जाएंगे। इतने से भी अभी इस फिल्म को और नीचे लेवल तक जाना था। फिल्म में आपको प्रमोद प्रेमी और उनके साथ कई ऐसे कलाकार दिखेंगे जो काफ़ी नए हैं और सभी एक जैसे ही दिखेंगे, जिनके फेस में एक्सप्रेशन ज़ीरो है और एक्टिंग की बात करेंगे यहाँ नील बटा सन्नाटा है। खैर, यहाँ पर एक्टिंग सिर्फ आपको कुछ दिखेगी तो मनोज टाइगर में दिखेगी, जिन्होंने इस फिल्म में फर्जी राजकुमार आर पांडे का किरदार निभाया है। थोड़े ही सेकंड के लिए सही, लेकिन इस फिल्म में आपको राजकुमार आर पांडे भी दिखेंगे। कुछ मिनटों के लिए अक्षरा सिंह और प्रदीप पांडे चिंटू और एक गाने में शुभी शर्मा दिखेंगी, और इनके गेस्ट अपेयरेंस के लिए इन्हें थैंक्स भी कहा गया है। वैसे अच्छा भी है, ट्रेलर में ये जब आते हैं तो लगता है कि कुछ अच्छी सी साउंडिंग हो रही है, कुछ अच्छा दिखेगा, लेकिन जैसे ही ट्रेलर में इनकी एंट्री गायब हो जाती है वैसे ही लगता है कि ट्रेलर फिर बेजान हो गया है। वैसे प्रमोद प्रेमी को लेकर फिल्म बनाने का जो जोखिम, जो कंधे पर उनके भार दिया गया है, कि राजकुमार आर पांडे ने क्या ये भी नहीं सोचा कि प्रमोद प्रेमी जैसा कलाकार इस फिल्म को किस हद तक ले जाएंगे, जिनके गाने ही अश्लीलतापूर्ण होते हैं और ये खेसारी लाल यादव के दुश्मन नंबर वन में हैं। हो सकता है वो यही दिखाना चाहते होंगे कि खेसारी के खिलाफ वो प्रमोद प्रेमी को खड़ा कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं रानी चटर्जी की। जी हाँ, पूरी फिल्म में आपको रानी चटर्जी दिखेंगे, काफ़ी अच्छे अवतार में भी दिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर रानी से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं। जी हाँ रानी जी, आपसे तो अच्छा काम इस फिल्म में शुभी शर्मा और अक्षरा सिंह कर गई, जो चंद सेकंड के लिए ही आई हैं। अगर आप बुद्धिजीवी हैं और भोजपुरी को पसंद करने वाले हैं तो आपको इस ट्रेलर को देख के निराशा हासिल होगी, और अगर आप थोड़ी भी अश्लीलता और काफ़ी ज़्यादा गालियाँ पसंद करते हैं तो ये आपके लिए ही फिल्म बनी है। और इसे देखने के बाद अगर आपने अपने घर में इसे इस्तेमाल किया, वैसे गलत भी कुछ नहीं है भाई। जब जैसी फिल्में आप पसंद करेंगे वैसे ही हमारे निर्माता निर्देशक आपके सामने फिल्में पेश करेंगे। वैसे हम आपके सामने ये बता दें कि 5 में से 1.5 स्टार इस फिल्म को तो मिल ही जाएंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।